हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अडुफॉस एजुकेशन फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम MSO 001 के सिलेबस के साथ आए हैं। जी हाँ, इग्नू का MSO का सिलेबस, मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है। पेपर वन का सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। MSO 002 का सिलेबस हमारी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। ओके, आज हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे MSO 001 का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टार्ट करते हैं हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने क्रेडिट होते हैं इसके? हाँ जी, 8, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू अ स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इग्नू MSO 001 सिलेबस। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अप्रोचिंग सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जैसे कि हमारा इसका कंप्लीट, इसका क्या नाम है पेपर का, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोचिंग सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सोशल थ्योरी एंड इट्स कंटेक्स्ट, कंसेप्ट एंड थ्योरी, थ्योरी एंड पैराडिग्म, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ओके, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सोशलिज्म, प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म देखेंगे, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविटी देख लेंगे हम, कॉम्टे एंड एनलाइटनमेंट, डर्की मैन एनलाइटनमेंट, मार्क्स की आइडियोलॉजी देखेंगे, वेबर की आइडियोलॉजी देखेंगे। ये सब हम इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, इस ब्लॉक में हमें यही पढ़ना है, अप्रोचिंग सोशियोलॉजिकल थ्योरी। देन आफ्टर विल गो टू द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सोशल स्ट्रक्चर पता ही होगा आपको, किसने बात की है सोशल स्ट्रक्चर की? हाँ जी, तो सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? पहले कंसेप्ट, थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ रियलिटी। A.R. रेडक्लिफ ने इस बारे में कहा था कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ रियलिटी। तो इनका हम A.R. रेडक्लिफ ब्राउन्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे इसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फिर इसमें क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड न्यू फंक्शनलिज्म। तो मैं पहले आपको फंक्शनलिज्म, देखो दो में डिवाइड होता है, क्लासिकल फंक्शनलिज्म एंड न्यू फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप सिलेबस देख रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलती हूँ। फंक्शनलिज्म में हम रेडक्लिफ ब्राउन, मेलन स्काई, टालकट पासन, रॉबर्ट किंग मर्टन, इन सब के बारे, इन सब ने क्या कहा, ये सब फंक्शनलिस्ट व्यू हम इसमें देखेंगे, फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे अच्छे से। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स, जो कि कहा था ईवांस पिचार ने। सोशल स्ट्रक्चर एज ए मॉडल, क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस ने और एडमंड लीच ने कहा था। तो ये सब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिकल, न्यू फंक्शनलिज्म, सारा सब कुछ इसको हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द पावर। पावर क्या है भाई? पावर, बहुत लोगों को IAS बनना होता है। क्यों बनना होता है? क्योंकि उनको पावर चाहिए भाई। IAS बन के पावर नहीं, अथॉरिटी मिलती है। पहली बात, अंडरस्टैंडिंग पावर, इसीलिए पहले अंडरस्टैंड करो कि पावर है क्या भाई, ठीक है। पावर एंड अथॉरिटी, क्वेश्चन मार्क है क्या, समझो। पावर एंड प्रेस्टीज, इसके बारे में। पावर एंड इन्फ्लुएंस, ओके। पावर एंड डोमिनेंसी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है। सीरियसली MA सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है। इग्नू का अगर हम ये सिलेबस देखिए, अपने आप इंटरेस्ट जगता है इसको पढ़ने के लिए। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो स्टार्ट करने के पहले इसका सिलेबस दिखाती हूँ कि देखो पहले इंटरेस्ट जगाओ इसमें, ठीक है। क्लास एंड लेजिटिमेसी देखेंगे, पावर और फंक्शनलिस्ट व्यू, ठीक है। फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिस्ट व्यू, इसके पहले हम फंक्शनलिस्ट, क्लासिकल एंड न्यू फंक्शनलिस्ट पढ़ेंगे। अब इसमें हम देखेंगे पावर में फंक्शनलिस्ट का क्या व्यू है, पावर एंड इंस्टीट्यूशन, पावर एंड नॉलेज, ठीक है। अब इसमें हम मैक्स वेबर का भी पढ़ेंगे, मैक्स वेबर, इसमें टालकट पार्सन,
मैं मैक्स वेबर की काफ़ी जो बुक्स जो जर्मन में थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है, टालकॉट पार्सन ने ट्रांसलेट किया है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे इसी में। एंथनी गिडन्स के व्यू पढ़ेंगे, माइकल फोकॉल्ट के, या मैं सोशोलॉजिस्ट के, मैं आपको इसलिए बताते जा रही हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ताकि एक जाता रहे, कुछ नेम्स आपके दिमाग में जाते रहेंगे, तो फिर जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पहले से ही दिमाग में रिकॉल होता जाएगा यही नाम, ठीक है ना। बस अभी सुनते रहिए, चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत इजी इजी नेम है, अभी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। सोशोलॉजी है ही ऐसे सब्जेक्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म सुनते ही तो सबके दिमाग में पहले एक नाम तो ज़रूर ही आता है, हाँ जी, कार्ल मार्क्स, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है वो। ये जो कुछ कुछ टर्म्स में बोलती हूँ ये भी दिमाग में डालते रहे, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट डालिए, अंडरलाइन करके आइए पेपर में, दिखा के आइए कि हम बहुत पढ़ के आए हैं और सच में हम बहुत पढ़ के जाने भी वाले हैं, ठीक है। इवोल्यूशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, रैशनैलिटी देखेंगे, वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटलिज्म देखेंगे, फ्रीडम एंड लिबर्टी देखेंगे, एलिनेशन किसकी थ्योरी है, हाँ जी कार्ल मार्क्स जी की है, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटलिज्म हम किसके किसके, मैक्स वेबर की व्यू देखेंगे, जोसेफ मर्फी नहीं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नहीं, जोसेफ स्कम्पटर, जिसने वो बुक पढ़ी होगी उसको मेरा इंटेलेक्चुअल जोक थोड़ा सा पीछे ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, स्टेट एंड सोसाइटी, इसमें सॉवरेनिटी, संप्रभुता, राइट, स्टेट एंड पावर, कौन इसमें किसके किसके व्यू देखेंगे, किसने किसने इलैबोरेट किया, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या टालकॉट पार्सन और अदर्स की व्यूज़ हम देखेंगे। स्टेट एंड पावर में सिटीजनशिप देखेंगे, सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है, ये सब हम देखेंगे इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद द कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑफ एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, तो इसमें हम कंसेप्चुलाइजिंग एथनिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है भाई, बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मेंटेनेंस, ये सब पढ़ेंगे, वेरी गुड। थ्योरीज एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समझ ही रहे होंगे आप शब्द से ही, टू स्ट्रेटिफाई, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी पढ़ेंगे इसमें, क्लास पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, कास्ट पढ़ेंगे, देख ही रहे होंगे आप जैसे ऐसे डिवाइडेड रहता है वर्किंग क्लास और इन सब में, और इलेट क्लास में डिफ्रेंशिएशन रहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास में, और जेंडर के बेसिस में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स में। अब आप हमेशा जेंडर देखते तो आपके दिमाग में मेल फीमेल ही आता है, वाई नॉट एलजीबीटी क्यूज, दिमाग में रखिए, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, बी लिबरल, एकदम लिबरल रहिए और अच्छे से हर चीज़ को एनालाइज करिए कि है क्या, चल क्या रहा है भाई, ठीक है। इश्यूज़ ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्निटी क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। थ्योरीज ऑफ मॉडर्निटी देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब देखेंगे। जैसे कि एक हम देखें मॉडर्नाइजेशन, द एशियन सिंड्रोम, मतलब कितना अच्छा है, मतलब ये लाइन ही आपको सुनने में लग जाएगा, मॉडर्नाइजेशन द एशियन सिंड्रोम, एशियन सिंड्रोम बोल रहे हैं इसको, क्यों भाई, हम ही मॉडर्निटी की तरफ भाग रहे हैं कल ही। इसके ऊपर हम अपने योगेंद्र सिंह सर जी के अंकल के व्यूज़ देखेंगे और बहुत ही डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको सिलेबस तो क्लियर हो गया होगा, सिलेबस में तो आपको कोई इशू अब बचा नहीं होगा, ये सिलेबस दो चार बार देख लीजिए, कोई भी किसी भी चीज़ का भी एग्ज़ाम देख रहे हैं दे रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पहले सिलेबस को दिमाग में बिठाइए, फिर उसके बाद चीज़ों को पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होगा। इसलिए मैं स्लाइड नीचे की तरफ स्लाइड करती जा रही हूँ ताकि आप इसको समझें अच्छे से, हाँ जी, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन, सिलेबस आपको समझ में आ गया हो और आपका इंटरेस्ट जगा हो और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ओके। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए आगे सोशोलॉजी में तो रिंगर ऑन कर लीजिए, मैं तो इस पे वीडियोस पूरी क्लियरिटी के साथ टू बी कंटिन्यू करने वाली हूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।